हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे एक और मार्केट अपडेट का वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। कल एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होगी किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ये पूरा हफ्ता काफ़ी कठिन रहा है ऑप्शन बायर्स के लिए, लेकिन ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही आरामदायक रहा है। हमने पहले ही इसको भाप लिया था, ऑलमोस्ट लास्ट दो तीन दिन से हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में भी यही कहा था कि भाई ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट फेवरेबल। मैंने अपने हर वीडियो में यही कहा है, सेलिंग करो, सेलिंग करो, भले एक लॉट से करो लेकिन सेलिंग करो, क्योंकि पैसा छोटा सा बने अच्छा है लेकिन गंवाना नहीं है। ऐसी ट्रेड जिसमें आपको फेवर नहीं कर रही है, ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड, वो क्यों करना है। तो ये इस हफ्ते का मोरल रहा है कि लोगों जिन्होंने जिद्दी बन के ऑप्शन ट्रेडिंग की होगी, बाइंग की होगी, उन्हें पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा डिके है, बहुत ज्यादा लोग जो करोड़ करोड़ का प्रॉफिट डाला करते थे टेलीग्राम वेलीग्राम यहां वहां ट्विटर पे, उनकी हालत क्या होगी वो ऊपर वाला ही जानता है, ऑप्शन के साइज देख के, ऑप्शन की हालत देख के। बट गाइज, हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट अपडेट की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट समरी की। तो मार्केट ने आज एक बहुत बढ़िया लेट सेकेंड हाफ में रिवर्सल दिया है। और इसको क्यों बढ़िया बोलूँगा मैं, क्योंकि मार्केट ने पहले अपना हाई बनाया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, माइनस में गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर फेल हुआ, और फिर फाइनली एंड ऑफ डे में रैली दी। और ये कहा जाता है कि जो एंड ऑफ डे में मार्केट में जो मूव आता है, जो डायरेक्शनल मूव आता है, वो बेसिकली प्रोज जो बड़े प्लेयर हैं, एफआईआई हैं, उनकी पोजीशन के बल पे ही मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है। अगर हम उसको माने और वैसे भी प्राइस एक्शन भी देखें, तो डेफिनेटली आप देखेंगे निफ्टी आप 15,098 पे आके बंद हुआ है। ये बहुत स्ट्रांग प्राइस एक्शन दिया है, और ये प्राइस एक्शन बहुत दिन से मिसिंग था। और इस प्राइस एक्शन में सबसे बड़ी चीज़ ये है, बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, आपका जो बाकी स्टॉक हैं HDFC टाइप के वो कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, TCS इन्फोसिस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, बजाज फिनसर्व, HUL, एशियन पेंट्स। तो आप देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जगह से आया है। और जो स्टॉक गिरे हैं उनमें मेजॉरिटी कुछ ऑयल वाले थे, टाटा मोटर, ये सभी स्टॉक जो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे थे, इनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जिसने बहुत ज़्यादा खींचा हो नीचे की तरफ। तो ओवरऑल अगर आप बोलें 15,098 पे क्या बन रहा है माहौल ऊपर का ही बन रहा है। एक बार हो सकता है इस बार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में आप देखेंगे काफ़ी सेलिंग हो रही है, नैसडैक में जो टेक सेक्टर है US का, उसमें काफ़ी सेलिंग हो रही है, उसके बाद भी हम 15,100 पे हैं। हमने 14,900 का लेवल नहीं तोड़ा, उसके नीचे नहीं क्लोज हुए, बार बार कोशिश की। ये दिखाता है कि नीचे ले जाने में जो बीयर्स हैं वो फेल हुए हैं। ये मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि मार्केट इतने नेगेटिव के बाद अगर लो नहीं बना रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक बार और हाई जाना चाहेगा, और वही चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम तो ओवरऑल सेक्टर में हम बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली IT सेक्टर एक अच्छा सेक्टर निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सभी ने अच्छा बाउंस दिया है लोअर लेवल से और काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले करेंसी। तो करेंसी जो थी अपनी 74 के आसपास पहुंच गई थी पैनिक में, एक बार फिर इसने कोशिश की थी 73.4 की, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं करेंसी बहुत तरीके से मैनेज की जा रही है। RBI कर रहा है या क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन करेंसी अपनी जो है वीक नहीं होने दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर है इंडियन मार्केट के लिए, और इसके रहते हुए मार्केट नहीं गिरेगा, सीधी सी बात है। तो हम देख सकते हैं 73.3 थे, अभी 72.9 फिर आ गए, तो आप देख रहे हैं हाई पे जा रहा है, लेकिन हाई लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, सेलिंग आ रही है इस पे, तो ये मार्केट को सपोर्ट करेगा आई थिंक कल भी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की हालचाल है। तो ग्लोबल में आप देख सकते हैं कि US 30.5% ऊपर है, ये कल भी ग्रीन में बंद हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका नैसडैक बहुत रेड में बंद हुआ था, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 2.5-3% के आसपास, जो कि आज काफ़ी स्ट्रांग पॉजिटिव दिखा रहा है। यही मेरे हिसाब से नैसडैक में एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा करीब करीब मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 500-600 पॉइंट की रैली आनी चाहिए, तो 250 तो ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर ये 500-600 सही में आ गया तो हमारा मार्केट वो करेगा जो हम उम्मीद कर रहे हैं। बात करेंगे आगे चल के अपने मार्केट के बारे में क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले नैसडैक देख लेते हैं। तो नैसडैक में आप देख सकते हैं ये करंट लेवल जो है 12,600 के आसपास इसने टच किया है, बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस एरिया में बॉटम अच्छा बना रहा है। एक बार इसको इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक तो जाना चाहिए, अगर अगली बार गिरना भी है तो इस एरिया में एक बार जाना चाहिए। ये मेरा हिसाब बता रहा है कि 13,100 तक एक अपसाइड आना चाहिए। अगर यहाँ तक अपसाइड आया तो ये आपका करंट लेवल से 600 पॉइंट की रैली होगी कम से कम नैसडैक में, जो कि करीब करीब आपका 4% की रैली होगी, जो कि काफ़ी बड़ी रैली होगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये आज US क्लोजिंग में आपको दिखता है
कि नैसडैक काफ़ी अच्छी रैली देता है, 12,600, 700, 800 क्रॉस करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक में ये इस तरफ बढ़ रहा है 13,000 की तरफ, और ये हमारे मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो कल मेरे हिसाब से बेरिश होने में कोई इतनी बहादुरी नहीं है और बहुत ज़्यादा मूर्खता कहलाएगी। अगर ग्लोबल मार्केट नहीं गिरते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और नैसडैक में टेक सेक्टर में अपसाइड आ सकता है, ये एक चीज़ नोट करके रखना है आपको। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज़ की जो हमको चिंता का विषय बना हुआ था ग्लोबल मार्केट में, तो यूएस 10 ईयर जो यील्ड है ये 1.61 जाके अभी आप देख सकते हैं नीचे गिर रही है। तो ये नीचे जो गिरी है ये रिलीफ है ग्लोबल मार्केट के लिए, जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करेगा। उसके अलावा अपनी करेंसी सपोर्ट कर रही है, कमोडिटी में आप देखेंगे तो 71 होकर आ गया है, ऑयल अभी 69 के आसपास है, तो ये भी ठीक है, ऊपर पे नहीं है, $2 नीचे है, ठीक है, इतना काफ़ी बेटर है। और एक और चीज़ है डॉलर, तो डॉलर इंडेक्स आपका 92 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 92.5 के आसपास होकर आ चुका है, तो ये भी सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, जो टेंशन दे रही थी मार्केट को वो सुधर रही हैं, और इसलिए एक रिलीफ टाइप का एक्सपेक्टेड है यूएस मार्केट में, जो मुझे लगता है आज आना चाहिए। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट में, बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक मैंने लिया है वो है रिलायंस। रिलायंस मुझे लगता है कि फिर से 2230 की तरफ बढ़ना चाहिए। आज अच्छा लोअर लेवल से आप देख सकते हैं अच्छा कैंडल बनाया है, रिकवरी भी लेट में आई है काफ़ी अच्छी, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ये हाई तो 2220 से लेके 2250 तक के लेवल्स देखते हैं। तो कल रिलायंस काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन दे सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। अब इसमें स्टॉप लॉस देने लायक, मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन फ्लक्चुएशन इंट्राडे में काफ़ी बड़े हैं, तो 2160 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो वो आपका एक क्लोजिंग हाफ एन आवर या वन आवर की क्लोजिंग अगर उसके नीचे मिलती है आपको तो डेफिनेटली वो एक चिंता का विषय होगा। अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको वो स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ 2230 2250 की तरफ बढ़ना चाहिए रिलायंस। अगला जो स्टॉक है वो है HDFC। HDFC ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया, आप देख सकते हैं 2900 से आपको 2500 आ गया, 400 पॉइंट की फॉल, काफ़ी बड़ा फॉल है ये, ऑलमोस्ट 14-15% 12-13% तो होगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अभी ट्रेंड बना हुआ था आप देख सकते हैं, अब ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है ये, और करता है तो आप यहाँ तक अपसाइड देख सकते हैं 2670। तो यहाँ से 100 रुपीज़ का अपसाइड HDFC में बाकी है, जो मुझे लगता है हो सकता है कल दिखे। एक्सपायरी भी है, बहुत सारे स्टॉक्स में आप देख चुके हैं कि नीचे के लेवल पे शॉर्ट्स को इन्होंने ट्रैप किया है, तो HDFC एक कंटेंडर हो सकता है कल रैली का, देखते हैं कल क्या होता है। ओवरऑल ICICI बैंक ने भी एक कोशिश की है यहाँ पे बॉटम बनाने की, आप देख सकते हैं ये लो था, दूसरा लो ये था, तो लो प्राइस एक्शन वाइज तो लो अपना हाई पे जा रहा है, तो एक हाई यहाँ पे मार सकता है 647 के आसपास, तो देखिए क्या करता है। ICICI बैंक एक ये कंटेंडर है। अब उसके अलावा निफ्टी जो है उसमें मैंने कल एक आपको स्ट्रक्चर बनाया था, उसकी बात मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो निफ्टी में कल क्या किया था मैंने, ये एक बनाया था आपको ट्रायंगल, ये सिमेट्रिकल, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। मैंने ये बोला था कि ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही होती है कंटिन्यूएशन ऊपर जाके ही ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अपसाइड ट्रेंड था। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये पॉजिटिव साइन तो है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं 15,000 इस एरिया तक। ये दो लेवल थे जो रिसेंटली में बने थे 15,200 और 15,260, तो ये दो लेवल दिखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए जितना डैमेज आपको स्टॉक्स में दिखा उतना डैमेज निफ्टी में नहीं दिख रहा, निफ्टी अभी भी हाई के बगल में ही है। यही होता है इंडेक्स में किसी ना किसी को मैनेज करके आप इंडेक्स को गिरने नहीं देते, स्टॉक्स में करेक्शन कंप्लीट कर लेते हो, और वही चीज़ हुई है यहाँ पे। तो कुछ स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो इसको उठा के ऊपर पहुँचा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 15,200 से लेके 250 तक के लेवल्स दिखते हैं कल। अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव हुआ, नैसडैक में अच्छी खासी रिकवरी आई, तो मुझे लगता है कल खुलेंगे ही हम 100 पॉइंट्स ऊपर, 100-150। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी प्यार से एक सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन ब्रेक करके इस तरफ जाना चाहिए, 36,500-36,600 तक के लेवल्स इसमें आने चाहिए, ये अगला टारगेट है इसका, तो यहाँ तक आप अपसाइड देख सकते हैं। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहा तो बैंक निफ्टी 36,600 से लेके इस हाई तक 37,180, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव आया तो यहाँ तक, अगर ठीक ठाक भी पॉजिटिव आया तो इसके आसपास 36,600-700 तक तो एक बार जाना चाहिए, जो कि करंट लेवल से 700-800 पॉइंट की रैली होगी। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी है वो आपकी काफ़ी गिरी है 8.8%, जो कि दिखाता है कि मार्केट में पैनिक कम हो रहा है, टेंशन कम हो रही है, और ये मुझे एक काफ़ी सपोर्टिंग फैक्टर लग रहा है कल के लिए। तो ओवरऑल चीज़ें अगर एशिया में अच्छी रहीं, US फ्यूचर बहुत बुरा नहीं रहा, और अपना मार्केट जो मैंने कहा कि कुछ स्टॉक्स हैं वो सपोर्ट किए, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम 15,200 से लेके 260 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। आपका जो सपोर्ट है
जो आपका सपोर्ट है निफ्टी में वो 15,050 का लेवल है। अगर 15,050 टूटता है तो आप 14,920 की तरफ बढ़ चलेंगे। तो ये आपके लेवल्स होने चाहिए, अपना जो भी गेम प्लान है बना सकते हैं इसको नज़र में लेके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक दबा के बताइए कि कितने लोगों को अच्छा लगता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे वीडियोस मैं डालता रहता हूँ जो आपको मदद करेंगे। इन वीडियोस के बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को बोल के या लिख के बताते हैं, वो चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ फ्री में है। तो रिस्पेक्ट करने के लिए आप एक बार लाइक बटन दबा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच।